हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंजू त्यागी। बड़े अरमानों के साथ आज मैंने अपना व्लॉगिंग चैनल बनाया है और मैं अपना फर्स्ट व्लॉग शूट कर रही हूँ। एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू शेयर माय लाइफ एक्सपीरियंसेस विद यू। बड़ा अच्छा मुझे फील हो रहा है। आई एम ए सीनियर सिटीजन, और सीनियर सिटीजन्स और कुछ कर सकें या ना कर सकें, कम से कम वो यंगस्टर्स को इंस्पायर तो लाइफ में कर ही सकते हैं। मुझे लगता है मैंने भी एक सक्सेसफुल लाइफ लीड की है, तो मैं अपने लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस राइट फ्रॉम बिगनिंग मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और मैं अपने फर्स्ट व्लॉग में आपको अपना इंट्रोडक्शन प्रॉपरली देना चाहूँगी। आई वॉज बॉर्न ऑन 15 अगस्त 1958, हिस्टोरिक डे, और शायद इसीलिए मेरे विचार जो हैं वो बड़े इंडिपेंडेंट और खुले हुए हैं, क्योंकि मैं स्वतंत्रता दिवस के दिन पैदा हुई थी। बड़े प्यार से मेरे पेरेंट्स ने मेरी परवरिश की, उस जमाने में जब लड़कियों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, लड़कों का ही बोलबाला था। मेरे फादर ने मुझे बहुत प्यार से एजुकेट किया, भाइयों से ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंस दी और मुझे अच्छी एजुकेशन दी। जो एजुकेशन होम टाउन में रह के हो सकती थी वो उन्होंने मुझे हॉस्टल में रख करके दी। जो ट्रेनिंग्स छोटी जगह पर रहकर हो सकती थी वो उन्होंने मुझे दूर से दी। आई एम ए साइंस ग्रेजुएट, मैंने बीएससी किया, उसके बाद में मैंने एमएसडब्ल्यू किया, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। उसका स्पेशलाइजेशन मेरा आगरा सिटी से हो सकता था, मेंटल हॉस्पिटल से, बट माय फादर सेंट मी टू बेंगलोर निमहंस। उन्होंने कहा नहीं, तुम निमहंस से अपनी इंटर्नशिप करो और बड़ी जगह जाओगी तो कुछ ज़्यादा सीखोगी। एंड आई रियली लर्न ए लॉट। उसके बाद में मैंने 3 साल मैरिज से पहले जॉब भी किया, गवर्नमेंट जॉब में थी, साइकेट्रिक सेंटर में। आई वॉज वर्किंग एज साइकेट्रिक सोशल साइंटिस्ट। बड़ा अच्छा टाइम था वो। मैंने 3 साल मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों की सेवा की और लाइफ में बहुत कुछ सीखा। उसके बाद मेरी मैरिज यूपी में हो गई, वो राजस्थान गवर्नमेंट का जॉब चल नहीं सकता था तो मैं यहाँ आ गई। मैंने बीएड किया, क्योंकि घर पे तो बैठना नहीं था, कुछ करने का पैशन था। मैंने बीएड किया और मैं एजुकेशन में एंटर कर गई। सारी जिंदगी मैंने प्राइवेट स्कूल्स में प्रिंसिपलशिप की, वो करके भी 25 साल प्रिंसिपलशिप करने के बाद एज इफ मेरा मन भर गया कि नहीं, अब कब तक सर्विस करते रहना है, अब कुछ और करते हैं। एंड आई डिसाइडेड कि अब मैं रूरल एरिया में एक स्कूल डालती हूँ, और मैंने अपने विलेज में एक अपना स्कूल डाल दिया। छोटा सा स्कूल, 12-14 कमरे हैं, नर्सरी टू 8th के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और सारे लेबर क्लास के बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। बहुत कम फीस में मैं उन्हें पढ़ाती हूँ। इस स्कूल को चलाते हुए भी अब मुझे करीब 15 साल हो गए, और जब कभी मैंने ये स्कूल खोला था केवल 20 रुपये फीस पर खोला था, और आज की तारीख में भी मैं केवल उनसे 200 रुपीज फीस लेती हूँ, और इंग्लिश मीडियम एजुकेशन मैं उन्हें दे रही हूँ। मैं सबको कहती हूँ कि आपको इतने कम फीस में इंग्लिश मीडियम एजुकेशन कहीं मिल जाए तो मुझे बताना। और उसमें भी जिस बच्चे के पास ड्रेस नहीं होती मैं उसे ड्रेस दे देती हूँ, जिसके पास बुक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं होते मैं उसे बुक्स दे देती हूँ। जो भी मुझे लगता है, जितने भी मैं अपने लेवल पे जितनी हेल्प कर सकती हूँ आई हेल्प देम। ऑनेस्टली उनको एजुकेट करती हूँ, कुछ टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट देती हूँ, एक पियोन को एम्प्लॉयमेंट देती हूँ, और मैं अपना छोटा सा ये सेटअप चला के आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट आई एम सर्विंग द वर्ल्ड ऑफ गॉड। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं भगवान की बसाई हुई दुनिया में अपने टैलेंट को इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये व्लॉग भी मैं इसीलिए बना रही हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सकूँ, और मैं करती रहूँगी। और ना पेंडेमिक के समय जब स्कूल्स बंद हो गए, घर से निकलने का कोई स्कोप नहीं था, और कुछ करने का पैशन जैसे मैंने आपको बताया हमेशा से था, तो लगा अब क्या करें, अब तो बिल्कुल खाली हो गए इस घर की चार दीवारी के अंदर। सेफ हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करके मानो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। तो ये थॉट मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम भी यूट्यूब पर अपना चैनल बना लें और अपने एक्सपीरियंसेस यंगस्टर्स के साथ शेयर करें। मैंने अपने चैनल्स बनाए और मैं उन पर काम कर रही हूँ। मेरे छोटे ही चैनल्स हैं, ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं हो पाई बिकॉज दिस वॉज जस्ट स्टार्टिंग, और इस एज में आकर हमें बहुत अच्छी डिजिटल नॉलेज भी नहीं होती है, तो बड़ा धीरे धीरे मेरा वो प्रोसेस चलता रहा और वो मेरे चैनल्स ग्रोथ कर रहे हैं। मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, अबाउट सेक्शन में भी दूंगी, आप चाहें तो उन वीडियोस को देखें। मैंने बहुत सारे वीडियोस उन चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, और आपको बताऊं मेरा एक चैनल यूट्यूब रिमूव भी कर चुका है मोनेटाइजेशन रिव्यू में। लगी होंगी कुछ टेक्निकल एरर्स, आई डोंट से, कि क्योंकि मैं इतनी एक्सपीरियंस तो नहीं थी, ना मैं उसे कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही थी, ना मैं इसलिए कर रही थी कि मुझे यूट्यूब से मनी अर्न करना है। तो दिस वॉज जस्ट माई पैशन कि मैं सोशल मीडिया पर आऊँ और अपने व्यूज लोगों के साथ शेयर करूँ। क्योंकि देखिए, एक सीनियर सिटीजन
के साथ में, हालांकि मेरे साथ अभी नहीं है, मेरी सोशल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मुझे अपने फैमिली मेंबर्स का कोऑपरेशन भी भरपूर मिलता है और मेरा सोशल सर्कल भी बहुत अच्छा है, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है। मैं किटी पार्टीज भी अटेंड करती हूँ, मैं अपना लॉयनेस क्लब भी अटेंड करती हूँ और स्कूल भी चलाती हूँ। सो देर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज जिनमें मेरा बहुत अच्छा टाइम पास होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि अब हम उतने सोशल नहीं रह सकते, अब हम उतने एक्टिव नहीं रह सकते जितने हम पहले रहते थे। तो फिर मुझे लगा कि चलिए थोड़ा सा यूट्यूब पर एक्टिव हुआ जाए और मैंने बनाया। मेरा वो कुकिंग चैनल था जो रिमूव हुआ और उसमें 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके थे। एक दो दिन तो मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ कि ये सब क्या हुआ। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू रिकवर दैट चैनल, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, और बना लेंगे। और काम करना है तो करना है, क्योंकि हिम्मत तो कभी हारनी नहीं है। जो हिम्मत हार गया समझ लो वो मर गया, क्योंकि कभी भी हमें होप्स नहीं छोड़नी चाहिए, हमें हमेशा होपफुल रहना चाहिए। आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं और इस जिंदगी को स्वर्ग या नरक बनाना हमारे हाथ में। कहते हैं ना, मरने के बाद आदमी अच्छे कर्म करे तो स्वर्ग में जाता है, लेकिन मेरी मान्यता है कि यदि ऑनेस्टली काम करे तो वो जीते जी स्वर्ग में रहता है। भाई मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ आई एम लिविंग इन हेवन। और मुझे लगता है यदि हम ऑनेस्टली और सिंसियरली वर्क करें, जो भी काम कर रहे हैं उसे पैशन के साथ करें, मेहनत के साथ करें और काम करने का हमें जुनून हो, तो हम अपनी लाइफ को बिल्कुल हेवन ही बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं इस तरह के व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती रहूंगी अपनी डे टू डे लाइफ के। मैं अपना स्कूल का व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूंगी, कैसे मेरी स्कूल की जर्नी है और कैसा मुझे वहां लगता है। आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल पर आपको इस तरह के व्लॉग्स रेगुलरली मिलते रहेंगे। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मुझे जुनून है कुछ ना कुछ करते रहने का और ये भी चैनल बनाया है तो इस पे भी मैं डेफिनेटली एक्टिव रहूंगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सी यू सून।